ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बात चल रही थी तो योग कैसे लगाना है, योग की विधि क्या है, योग का महत्व क्या है, कितना घंटा योग करना है, साथ में योग के लिए कुछ धारणाएं क्या क्या है। तो दो धारणा के बारे में चर्चा की। पहली, आत्मा समझना, दूसरी श्रीमत का पालन, और तीसरी एक बहुत गहरी धारणा है, वो है अगर योगी बनना है तो परचिंतन से बच करके रहना है। परचिंतन, परदर्शन, परमत से बच करके रहना, वही योगी बन सकता है। तो परचिंतन समझा, परचिंतन क्या होता है? हाँ, दूसरों के बारे में सोचना, मेरा पति ऐसा है, मेरी सास ऐसी है, वो कहते हैं हाँ मेरी भी ऐसी है, वो अपने पति की सुना रहा है या अपने पति की सुना रहे हैं, इसको कहेंगे पर चिंतन, पर पंच। वैसे तो माता ही ज्यादा करती है पर चिंतन, भाई भी करते हैं लेकिन माता ही ज्यादा करती है। हाँ, भाई लोग भी करते हैं लेकिन माता ही ज्यादा करती है, क्योंकि माताओं को खाना बनाने के बाद टाइम मिलता है, और कहाँ जाएंगी, पड़ोसनी के पास। और क्यों करती है? तो माताओं में सहन शक्ति ज्यादा ही कम है, माताओं में सहन शक्ति ज्यादा ही कम है। हाँ, ज्यादा मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। माता ही सहन तो करती है लेकिन जो सहन की भी बातें अपने तक नहीं रखेगी, पड़ोसनी को जाकर सुनाएगी। पति ने कुछ बोला, सास ने कुछ बोला, थप्पड़ थोड़ी मारेगी वापिस, सहन करेगी, चुप रहेगी, लेकिन वही बातें फिर पड़ोसनी को पानी भरने के बहाने जाएगी या माचिस लेने के बहाने जाएगी, सारी बातें सुनाएगी। वो भी कहेगी तुम भी कुछ बोला करो ना, तुम क्यों करो, तुम्हारा भी तो अधिकार है। वो अपने पति की सुना रहे, अपने पति की सुना रहे। जब पति शाम को आता है पानी मांगता है, कैसे देंगे, ले तेरे को आता नहीं, डांटता रहता है, झगड़ा करता रहता है। तो परचिंतन करने से क्या हो गया, और ही आपस में नफरत आई, घृणा आई। तो ऐसे परचिंतन से कौन कौन बचे रहते हैं, कभी परचिंतन करते ही नहीं, ऐसे कोई होगा तो हाथ खड़ा करो, मुश्किल ही है। हाँ, अच्छा, हाथ खड़ा नहीं करें मतलब लगभग सारे करते हैं। तो क्या क्या फायदा होता है उसे बताओ, परचिंतन करने से फायदा क्या क्या है? करते होंगे तो फायदा तो होगा, तब तो कर रहे हैं, क्या क्या फायदा है बताओ। पहला फायदा बताओ कि परचिंतन करने से हमें फायदा मिलता है इसलिए हम करते हैं, क्या फायदा होता है? हाँ, तो फायदा नहीं होता तो भी करते क्यों, होता रहता है। और जो परचिंतन करेगा वो ज्ञान का चिंतन कैसे करेगा, इसीलिए आज से ये पक्का करके जाओ, मुझे आज से कभी परचिंतन नहीं करना है। क्योंकि माताओं के पेट में कोई बातें ठहरती नहीं, एक कमजोरी है माताओं की, एक तो सहन शक्ति की कमी और दूसरी परचिंतन। और इसी कमजोरी का फायदा हमारे ब्रह्मा बाबा ने लिया है, इसीलिए ज्ञान का कलश किसको दिया है, क्यों? अगर माताओं को सुनाएंगे उनके पेट में बातें ठहरेंगे नहीं, सबको सुनाएंगे, और इसीलिए माताओं की संख्या भाइयों से ज्यादा है। देखो, ताली तो बजाओ। तो उनको पता है कि भाई यहां भट्टी होने वाले हैं, ये को कहेंगे तुम भी आओ, तुम भी आओ, सबको बुलाए, कितने लोग आए देखो। तो ज्ञान की बातें तो भले सुनाओ लेकिन व्यर्थ बातें किसी को नहीं सुनाओ,
क्योंकि व्यर्थ बातें सुनाने से उसका भी घाटा और खुद का भी घाटा है। इसीलिए आज से इस परचिंतन से बचना, क्योंकि परचिंतन और योग इसका कनेक्शन क्या है। समझो किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठे हैं, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चा ठीक नहीं, नालायक है, ऐसा है वैसा है, और बाप को कहेंगे आप बहुत अच्छे, आप कितने अच्छे हैं। बाप कहेंगे तुम पहले यहां से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की, तुम मेरे को अच्छा बोलता है। क्योंकि हर माँ बाप को अपना बच्चे प्यारे होते हैं। इसी तरह सारा दिन कहेंगे बहन ऐसे है, भाई ऐसे है, पति ऐसे है, सास ऐसे है, सारा दिन परचिंतन करेंगे, औरों को सुनाएंगे, और शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शांति के सागर, दही का सागर। बाबा कहेगा तुम मैं तू क्या भूल गया कि मुझे याद दिला रहे, तुम पहले यहां से भाग जाओ। प्रैक्टिकल बातें, भगवान से प्यार करने के लिए भगवान ही रची हुई दुनिया का हर इंसान आपको प्रिय चाहिए। बाबा सबको कहता है मीठे बच्चे, और हम कहते इसको कोई अकल ही नहीं है, तो क्या भगवान से हम होशियार हो गए? इसीलिए पर चिंतन करेंगे तो योग नहीं लगेगा। इसीलिए आज से यह पक्की धारणा करना है, मुझे किसी के दोष नहीं देखने। दोष देखने वालों को कहेंगे कौवा, तो कौवा बनना है या हंस बनना है? हंस का कलर कैसा है? व्हाइट है। और कौवे का कलर काला, अंदर भी काला और बाहर भी काला। दो चार जन मिलकर के किसी की बुराई करें, और ये ऐसी है, ये ऐसी है, वो करती है, वो करते हैं, अचानक आई ओम शांति, अभी हम आपको याद कर रहे थे, मुख में राम बगल में छुरी। जो परचिंतन करता है उसके दिमाग में ज्ञान का एक पॉइंट भी नहीं बैठेगा। सरस्वती कौवे के ऊपर नहीं बैठेगी, हंस के ऊपर बैठती है। इसी तरह ज्ञान जो परचिंतन करता उसके दिमाग में ज्ञान नहीं बैठेगा, मुरली का एक शब्द भी याद नहीं रहेगा। जिसके बुद्धि में ज्ञान ही नहीं, उसको खुशी कैसी रहेगी? वो योग क्या कर सकता है? सारा दिन उसका चेहरा उदास रहेगा। कौन कहेगा इनको भगवान मिला हुआ है? क्यों? परचिंतन करता है। इसीलिए परचिंतन से बचना, किसी की भी दोष नहीं देखना, अवगुणों का वर्णन नहीं करना। तो यहां से इस भट्टी से पक्का करना है, मुझे किसी का परचिंतन